एवरीवन, वेलकम टू व्यास अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा 11th कॉमर्स का टॉपिक है वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड। इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो हमने पढ़ा था कि सोल ट्रेड किसे कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है सोल ट्रेड की। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट देखते हैं अपन, वो है सोल ऑनरशिप। सोल ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? सोल ऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है? वो जो जिसका बिजनेस है, जो उसका मालिक है, वो कहलाता है ऑनर। तो यानी सोल ऑनरशिप का मतलब यहाँ पर हुआ कि सोल ट्रेड यानी जो अकेला व्यक्ति, सिंगल पर्सन जो बिजनेस को रन कर रहा है, वो सिर्फ एक अकेला खुद इकलौता मालिक होता है उस बिजनेस का। और उसके साथ कोई पार्टनर नहीं होता है, ना उसका कोई हेल्पर होता है। इसलिए जो बिजनेस है वो सिर्फ एक ही पर्सन का रहता है, ऑनर भी वही कहलाएगा उस पर्सन, वो ना व्यक्ति जो, इसलिए इसको बोलेंगे सोल ऑनरशिप कि इस बिजनेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है। ठीक है, सेकेंड आता है सोल मैनेजमेंट। सोल यानी सिंगल पर्सन, और मैनेज करने वाला, मैनेजमेंट यानी जो मैनेज करता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मैनेज करता है पूरे बिजनेस को, कि उसको क्या डिसीजन लेने हैं, क्या उसका जो बिजनेस है उसे एक्सपांड करना है या नहीं करना है, कौन कौन से उसको प्रोडक्ट्स अपने ना बिजनेस में, दुकान में रखने हैं या नहीं रखने हैं, वो सारे कौन करता है? मैनेजमेंट सिर्फ एक अकेला व्यक्ति करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? सोल मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज देखिए, अगर हम कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने पड़ते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह बनाना पड़ता है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आप जब चाहे अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको किसी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप चाहे तो आपके घर के नीचे अगर कोई दुकान डाल के आप खोलना चाहे तो आप खोल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर इसलिए बहुत ईजी बिजनेस है कि इसमें आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें आपके एरिया वगैरह में देखा होगा, छोटी छोटी दुकानें सब लोग खोल के बैठ जाते हैं। कोई किराने की दुकान खोल के बैठ जाता है, तो कोई अपने ही घर के नीचे छोटी सी भी अगर दुकान होगी तो पान गुटके वगैरह की इनकी दुकानें खोल के बैठ जाता है। ठीक है, तो जो इसका जो सोल प्रोप्राइटर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? सिर्फ लिमिटेड एरिया तक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसमें आपका जो शेयर होता है या आपकी जो लाइबिलिटी बनती है, आपका जो दायित्व बनता है, वो कुछ लिमिटेड तक ही होता है, लिमिटेड ही होता है। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपके जो क्रेडिटर्स है या जिनसे आपको ना कोई पैसा मांगता है आपसे, आपको पैसा देना है और आपने उसको अपना जितना आप दे सकते थे दे दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी कम पड़ रहा है पैसा और आपको वो मांग रहा है, क्रेडिटर आपसे मांग रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी पर्सनल असेट्स भी यूज करनी पड़ सकती है, उसे भी सेल करके आपको पैसा देना पड़ सकता है। इसलिए वो लाइबिलिटी क्या कहलाती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर सिंगल पर्सन है, अब सिंगल पर्सन कितना दे सकता है किसी को भी अगर बैड डेट्स हो जाता है उसके बिजनेस में या क्रेडिटर उससे पैसा मांग रहे हैं, तो आप वो कितना दे सकता है? एक लिमिटेड तक ही दे पाएगा क्योंकि वो सिंगल अकेला चलाने वाला है बिजनेस को। तो यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी क्या बन जाती है? अनलिमिटेड, यानी उसको अपनी पर्सनल असेट्स भी क्या करनी पड़ेगी? यूज करनी पड़ेगी पैसे आगे देने के लिए। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू ट्रेड। फ्रीडम टू ट्रेड का मतलब आप समझ ही गए होंगे पॉइंट से कि बिजनेस करने की आजादी, यानी सिंगल पर्सन है तो वो जो चाहे बिजनेस कर सकता है, चाहे उसको साड़ी का बिजनेस करना है, कोई ग्रोसरी की शॉप्स खोलनी है, या फिर उसे कोई किराना जनरल स्टोर खोलना है, या गेहूं की दुकान डालनी है, जो भी बिजनेस वो करना चाहे उसे पूरी तरह की क्या होती है? छूट होती है। उसे कोई भी है ना बंदिश नहीं होती कि नहीं आप ये बिजनेस करो, नहीं आपको कोई बिजनेस करना, ऐसा नहीं, जो चाहे बिजनेस वो कर सकता है। इसलिए उसको पूरी तरीके से फ्रीडम होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉलेंट्री स्टार्ट एंड एंड। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक। ठीक है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल जो पर्सन होता है वो अपनी इच्छा से ना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और अपनी इच्छा से बंद कर सकता है।
उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं बिजनेस को है ना बंद कर रहा हूँ इसलिए लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब चाहे उसको लग रहा है कि नहीं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है या मुझे दूसरा बिजनेस है ना करना चाहिए, तो वो अपने इस जो रनिंग बिजनेस चल रहा है उसको वो चाहे तो बंद भी कर सकता है और जब चाहे वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर कुछ है ना कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी सोल ट्रेड की, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोल ट्रेड क्या होता है। अगली वीडियो में हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।